हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है माइक्रोसॉफ्ट विप्रो और एसेंचर की तरफ से। ये एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स दोनों के लिए होने वाली है। ये फुल टाइम और इंटर्नशिप रिसर्च बेस्ड सभी मतलब ये अपॉर्चुनिटी है तीनों में ही, ठीक है। तो वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि इन फ्यूचर में किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो लेके आऊँ, चाहे किसी भी कंपनी से कोई अपडेट आए या ऑफ कैंपस हायरिंग आए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पर, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो मैंने बना के अपलोड कर रखी है, चाहे किसी भी कंपनी से हो, किसी भी टॉपिक पे हो, आप एक बार गो थ्रू हो सकते हो, ठीक है। अराउंड 1K+ मतलब 1000+ वीडियोस हैं, चाहे इंफोसिस हो, TCS हो, विप्रो, टेक महिंद्रा, एसेंचर होगी, जो हो, जेमन, हर एक कंपनी पे मैंने वीडियो बना रखी है। तो एक बार आप गो थ्रू जरूर होना, आपके जो भी डाउट है ना किसी भी कंपनी से रिलेटेड 100% क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो एसेंचर की तरफ से, जैसे मैंने वहाँ पर लिखा था, फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही एलिजिबल हैं। तो ये मैंने इसलिए कवर किया ना क्योंकि बहुत ही बेसिक सी मतलब स्किल रिक्वायरमेंट मांगी गई है। देख सकते हो, अगर आपको 1 से लेकर 3 साल का एक्सपीरियंस है, सिर्फ और सिर्फ MS Excel की नॉलेज है ना, तो अप्लाई कर सकते हो। लोकेशन यहाँ पे मेंशन है और हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके और भी चीज़ें आपको पढ़ के सुना देते। देख सकते हो, फाइनेंस प्रोसेस, देन MS माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, देन अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सीबल, देन क्विक लर्नर, एंड कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, मीट इन द डेडलाइन, बस और कुछ नहीं है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में वही चीज़ें हैं, बस थोड़ी बढ़ा चढ़ा के बताई गई हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि एक्सपीरियंस में भी ज़्यादा कुछ स्किल सेट नहीं मांगा गया, ठीक है। और सेकेंड अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट से होने वाली है, और इसमें जो हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो देख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट हैव यूनिवर्सिटी और इधर डॉक्टरल, मास्टर और अंडर ग्रेजुएट, मतलब कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो या नहीं हो, अपने फाइनल ईयर में होना तो अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए तो ज़्यादा कुछ चीज़ें तो यहाँ पर मैंशन नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट में भी ज़्यादा कुछ मांगा भी नहीं किया। देख सकते हो, रिसर्च इंटर्न, और बात करें तो ये यहाँ पर देख पा रहे हो कि आप यूनिवर्सिटी मतलब कि डॉक्टरल, मास्टर और अंडर ग्रेजुएट मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट अगर फाइनल ईयर में हो तो अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा इन्होंने कुछ ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए जस्ट यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और क्या होता है, फाइनल और लास्ट अपॉर्चुनिटी आपकी है विप्रो की तरफ से जो होने वाले एसोसिएट ऑर्डर मैनेजमेंट की, और इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया है, और इसमें भी ग्रेजुएट एलिजिबल है, पर्टिकुलरली इंजीनियर नहीं एलिजिबल। देख सकते हो, BE, BTEC, MBA, MCA वाले नॉट एलिजिबल। और मैंडेटरी स्किल की अगर बात करें तो वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद गुड PCN डेटाबेस नॉलेज, ठीक है। और ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन मतलब कि कौन सी जो भी है इनकी प्रोफाइल है, मैनेजमेंट मतलब कि उसके हिसाब लगा लेना आप, ठीक है। और फ्लेक्सिबल एडेप्टेबल बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड मल्टी, बाकी मैंने आपको पढ़ के बताई दिया, तीन चीज़ें मैटर करती, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, PC की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, और सैप वगैरह की नॉलेज है तो आपके लिए एडवांटेज है, ठीक है। तो तीनों में से किसी में भी इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई जरूर करना, क्योंकि तीनों काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं, ठीक है, और ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसी में भी कुछ नहीं मांगा गया है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।